मैं शुरू आपका स्वागत करती हूँ अखबार बानी गॉसिप में। भाई सब लोगों ने घर वालों ने युद्ध की शुरुआत कर दी है प्रियंका के खिलाफ। ओवर कॉन्फिडेंस की देवी जो है प्रियंका चहर चौधरी को बोला जा रहा है। चलिए आप लोगों को बताते हैं ये लेटेस्ट अपडेट। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जब से भाई निमृत को प्रियंका ने खुली आवाज में ये बात बोली है कि ये डिजर्विंग है ही नहीं, मैं डिजर्विंग ज्यादा हूं, तब से जो है निमृत और निमृत को काफी ज्यादा गुस्सा आया और निमृत ने जो है बहुत ही ज्यादा सौंदर्या को भड़काया और वहीं पर सौंदर्या भी भड़क गई और बिग बॉस ने ऊपर से और ज्यादा जले पे मिर्ची छिड़क दी शालिन के ऊपर। शालिन को भी भड़का दिया प्रियंका के खिलाफ और प्रियंका के खिलाफ शालिन, सौंदर्या और निमृत काफी ज्यादा भड़के हुए हैं। जहां पर प्रियंका और टीना जो है स्मोकिंग रूम के पास सोफे पे बैठे होते हैं, पर यहाँ पर जो सौंदर्या, शालिन, निमृत जो है ये चिढ़ा रहे होते हैं और बोलते हैं कि भाई समझदार की देवी और ओवर कॉन्फिडेंस की देवी और काफी सारी ऐसी चीजें ना ऐसा पूजा कर रही होती है कि भाई ये देवी ओवर कॉन्फिडेंस की देवी है कि भाई ओवर कॉन्फिडेंस बंदी को कहाँ से आ गया। बंदी आराम से जा रही है, उसको कॉन्फिडेंट है। ओवर कॉन्फिडेंट ये होता है जो तुम लोग ढिंडोरा पीट पीट के बोलते रहे अर्चना को, ये बात बोलते रहे कि भाई इसको तो बहुत घमंड है कि ये जा नहीं सकती है, ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता। पर यहां पर तो कभी भी प्रियंका को ये बात बोली नहीं गई। प्रियंका ने भी बहुत अच्छी बात बोली कल कि भाई पहले जब अंकित था तब तुमने बोला कि अंकित को ये पकड़ के रखती है, अंकित इसमें घुसा हुआ रहता है, और जब अंकित चला गया तब बोलते कि अंकित ही इसकी गेम था, अंकित के सहारे पे ही ये रहती थी। तो ये सब चीजें ये लोग जो बोल रही हैं इनको प्रियंका बर्दाश्त नहीं हो रही है क्योंकि प्रियंका खेल रही है एकदम क्लासी गेम, मजेदार गेम। ये लोग अंदर से डरे हुए हैं प्रियंका से, इसीलिए प्रियंका को उंगलियां करते हैं कि आखिरकार ये कैमरा के सामने दिख जाए। आपके क्या विचार है बताइए जरूर। इसी के साथ मैं लेती हूँ इजाजत, नमस्कार।